विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और इसी का परिणाम है कि किसानों को अब पहले से बेहतर आय होने लगी है। पेश है एक रिपोर्ट। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा परंपरागत वन निवासियों को भी अब सामूहिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि छोटे किसानों की आय बढ़ सके। कोरिया जिले की बात करें तो यहां जिला प्रशासन ने वन अधिकार अधिनियम का लाभ ले रहे आदिवासियों और किसानों को रोजगार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत उन्हें खेती के अलावा मत्स्य पालन, उद्यानिकी से जोड़ा जा रहा है। इसमें मनरेगा की भी मदद ली जा रही है। विकासखंड बैकुंठपुर के सहायक मत्स्य अधिकारी एस के द्विवेदी ने बताया कि करीब 8 विभागों की मदद से एक कार्य योजना तैयार की गई है। विशेष पिछड़े जनजाति पंडों सहित अन्य आदिवासी परिवारों को मछली पालन से जोड़ा जा रहा है। वहीं उद्यान की विकास अधिकारी जे एस ध्रुव ने बताया कि इस विकास खंड में किसानों को मुनगा, आम, कटहल जैसे उद्यान के पौधों की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। देवखोल ग्राम देवखोल मुरवा में वन अधिकार पट्टाधारियों को आजीविका के द्वारा हमारे खेत हमारे आजीविका के द्वारा उसको आमदनी के उपलब्धिकरण के लिए सभी सम्मिलित विभाग, जिसमें आपका जल संसाधन विभाग, क्रेडा विभाग, कृषि विभाग, मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग, सभी के सहयोग से यहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें उद्यानिकी विभाग के माध्यम से कृषकों के उत्पाद अधिक आमदनी में वृद्धि के लिए और उसकी आजीविका के लिए मुनगा के पौधरोपण का कार्य मुख्य रूप से लिया जा रहा है। बैकुंठपुर विकास खंड में वन क्षेत्र करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है। किसानों और आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए वन भूमि को क्लस्टर बनाकर खेती और मछली पालन के लिए उन्हें दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रायपुर।